पश्चिमी दिल्ली के ख्याला में एमसीडी का अलग अलग दस्ता गुरुवार को सीलिंग करने पहुंचा तो इलाके में हड़कंप मच गया। इलाके में काफी संख्या में फैक्ट्रियां मौजूद हैं, लोग अपना अपना सामान दूसरी जगहों पर शिफ्ट करने में जुट गए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग कमेटी उन फैक्ट्रियों को निशाना बना रही है जिसके मालिक बवाना में प्लॉट मिलने के बावजूद वहां नहीं गए। कुछ लोगों का तो मानना है कि उनको तो बवाना में प्लॉट भी नहीं मिला। सड़क पे पड़ा है और रात को रखवाली करेंगे, जगह ढूंढेंगे। और हमने प्लॉट भरा था, वो प्लॉट भी हमें नहीं मिला अभी तक। अभी तक कब्जा नहीं मिला। कब्जा मिला हो तो कम से कम बना ले। वो भी दिखा रहे हैं, वो देखने के लिए तैयार नहीं है। देख गए हैं और आज आ गए सील करने के लिए। हमने तकरीबन 75% सामान निकाल लिया है, 25% रह गया। 25% भी नहीं है, 10% रह गया था। सीलिंग दस्ते को फैक्ट्री चलने के साथ कोई फैक्ट्री खाली भी दिखी तो उसका मीटर कनेक्शन काट दिया गया। बवाना में करीब 600 फैक्ट्रियां हैं और सरकार दूसरी जगहों के फैक्ट्री मालिकों को वहां पर शिफ्ट कराना चाहती है। बुधवार को भी करोल बाग जोन के तहत मनोहर पार्क मार्केट में मॉनिटरिंग कमेटी के आदेश पर सीलिंग हुई थी। एमसीडी अधिकारियों का कहना है कि इस इलाके में ऑयल ट्रेडिंग का काम होता है। इनके खिलाफ मॉनिटरिंग कमेटी ने सीलिंग के आदेश दिए हैं। दिल्ली पुलिस के साथ साथ सीआरपीएफ के जवानों को भी स्थिति से निपटने के लिए तैनात किया गया था। दिल्ली तक के वीडियोस को देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।